जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मते अनुसार, प्रेम सहित आसन धरिजो, विराजियो पवन कुमार। परम्परा अखिलेश्वर अकार करुणा करुणालय कर्तर ताम्बरधारी श्री मोर मुकुटधारी वंशी वाली जी के चरणों में इस दास का बारंबार तृतीय कीर्ति श्याम इतिहास पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। श्रोतावृंदों, क्या आपको पता है ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही आज हम आपको एक कथा श्रवण कराएंगे, जिससे कि एक व्यक्ति ने अपने आजीवन घोर पाप किए और पाप करते करते घोर भूत प्रेत योनि में पहुंच गया था। उसके बाद भी उसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण की तो उसको मौत छू लिया, भगवान के लोक में परम स्थान मिल गया। तुम भद्रा तटे पूर्व बुद्ध पत्ते मतम्मम, यत्र वर्णा स्वधर्म सत्य सत्कर्म परा। ये पुराने इतिहास की कथा है। जो एक गांव था, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, वहां पर सभी व्यक्ति अपने अपने वर्ग के हिसाब से अपना अपना जीवन यापन करते थे। वहीं पे एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव शर्मा था, जो एक विद्वानों में दूसरे नंबर के सूर्य माने जाते थे। और जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था धुंधली, वो ठीक उनके विपरीत थी। वह कैसी थी? लोक वार्ता क्रोरा प्रयासो बहु जल्पिका, सूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। के पूरे दिन लोगों से लड़ना झगड़ना, और उनकी एक विशेषता थी, जब तक पूरे दिन में वह किसी से लड़ना लें, जब तक उनकी रोटी नहीं फंसती थी। और जब आत्मदेव शर्मा जी घर पे आते तो ऐसे बैठ जाती जैसे कि इस दुनिया में बस इस वक्त यही एक पतिव्रता पत्नी रह गई। और उनके जाते ही पूरे कॉलोनी में, जैसे आजकल तो कॉलोनी कहते हैं, पहले गांव हुआ करते थे, तो सारे में हाहाकार मचा देती थी। और आत्मदेव शर्मा जी के घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, परंतु एक चीज की कमी थी। पता नहीं कौन से जन्मों के पापों के कारण उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। इसी से दुखी होकर आत्मदेव शर्मा जी जंगल में पढ़ने के लिए निकल पड़े और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी वहाँ से एक संत महात्मा गुजरे। उन्होंने देखा कि कोई रो रहा है, चलो पास चलकर इनका मार्गदर्शन करते हैं। तो पास जाकर पूछते हैं, कथम रोदिषि विप्र त्वं काते चिंता बलियसि, वद त्वं सत्वरम अहम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने दुख का कारण बताइए, आप क्यों दुखी हो? जैसे कि आपके आसपास कोई दुखी होता है तो आप उससे पूछ लेते हैं कि आप क्यों दुखी हो, ऐसे ही ब्राह्मण देवता से पूछते हैं संत कि आप क्यों दुखी हो, आप बताइए। तो संत महात्मा से कहते हैं आत्मदेव शर्मा जी, किम विप्रेमी से दुखम पूर्व पापेन संचितम, मदिया पूर्व जास्तोयम कवोष मुंदे भुज्यते। कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से दुखी हूँ, पता नहीं मैंने पूर्व जन्मों में कैसे कैसे पाप किए कि मुझे उनका फल आज भोग। मैंने अपने घर में तुलसा जी का पौधा लगाया, वो भी हमेशा मुरझाई रहती है, वो भी कभी नहीं खिलती। मैंने अपने घर में गाय पाली,
उसने भी आज तक कोई मछली नहीं दिया। मैं अपने जीवन से दुखी हूँ और मैं अब मरना चाहता हूँ। तब संत महात्मा अपने मन में कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि कोई भगवान का जिज्ञासु होगा, परंतु इसे तो अपने लड़के का भूल चढ़ा हुआ है, इसे तो लड़का चाहिए। तब महात्मा कहते हैं, तुम विवेक का सहारा लो, मुंशे ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा सदा त्यागम संसार वासना। कि ये ब्राह्मण देवता, ये जो कर्म की गति है ना, ये बहुत तेजी से भाग रही है। तुम इस संसार की वासना को छोड़ दो और विवेक का हासिल करो, तब बाहर पहुंचे नहीं होंगे। नहीं, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। तब संत कहते हैं, ये बताओ आज तक किसके पुत्र ने सुख दिया है? महाराजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, सबने अशांति करके रख दी, किसी ने सुख नहीं दिया। महाराजा अंग के दुष्ट बैन हुआ तो महाराजा अंग को ही घर छोड़कर भागना पड़ा। तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे? और मैंने तो तुम्हारे माथे की रेखाएं पढ़ ली है, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई भी पुत्र नहीं है। तब वह कहते हैं आत्मदेव शर्मा कि मैं तो अपने एक जन्म से ही दुखी था, तुमने तो मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। और रोते रोते महात्मा के चरणों में गिर जाते हैं, पर कहते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए। तब वह कहते हैं संत कि क्या कर रहे हो महात्मा, मर जाओगी? तब आत्मदेव शर्मा कहते हैं, मैं तो मरने के लिए ही आया था, पर अब तुम्हें अपने 7 जन्मों से पता नहीं कैसे जीऊं। और कहते हैं, क्या तुम तो सन्यासी हो, तुम तो शुष्क होते हो, तुम क्या जानो पुत्र का गम? जब पुत्र होते हैं तब पिताजी पिताजी कहते हैं तो कान में रसगुल्ला सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, परंतु हमारी संतान ही नहीं है तो हमसे पूछिए हमें कैसा गम है, हमें कैसा दुख है। और गाते हैं, पुत्रादि सुखम हीनो संन्यासम शुष्क एव ही गृहस्थ रस सो लोक पुत्र पोत्र समन्विता। कि मुझे नहीं पता, मुझे तो पुत्र चाहिए, कहीं से भी दीजिए। तब महात्मा कहते हैं, यदि तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ से देगी? वो कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, तुम कहीं से दो, परंतु मुझे तो पुत्र ही दो। कहते हैं कि मैंने तो ये सुना है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मोरे बचाने पड़ जाए फीका, संत बचाने पत्थर की रेखा। कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा वचन झूठा हो सकता है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, एक बार जो बात संत ने बोलती वह कभी मिथ्या नहीं हो सकती, वो कभी झूठ नहीं हो सकती। तब महात्मा इतना सुनकर अपनी झोली से फल निकालते हैं और उसको देते हैं और कहते हैं, लो इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति हो जाए। तब आत्मदेव शर्मा जी कहते हैं, महात्मन आपकी जय हो, महात्मन आपकी जय हो। और कहते हैं, कोई और परेश हो तो उसे भी बता दीजिए। महात्मन कहते हैं, परेश तो ज्यादा कुछ नहीं है। कल के लिए जय जय श्री राधे श्याम।